हेलो दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में मैं अरुण मकवाना आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 50 सवाल जवाब पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 50 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना बाकी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसी को हमने इस वीडियो में लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड कहां पर स्थित है? वो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, मतलब ऊपर रहता है वो हिमालय में। कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। SARC SARC का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SARC का पूरा नाम है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को दी गामा ने की थी। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो वो है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। किसके कारण? स्वेज नहर के कारण। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 to 1918 ईस्वी सन में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव के दौरान। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है दादा भाई नेहरू जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 12, 1936 से अप्रैल 6, 1930 तक। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 अंश घूम लेती है। आगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किस स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। उससे पहले शेर था, अब बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो वो होता है पायलट ऑफिसर। वायुसेना में सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर होता है।
युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो वो है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें भारत चीन सब आया हुआ है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, लास्ट में आपकी टेस्ट भी रखी जाएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में टेस्ट दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपका नॉलेज भी कितना है। और इसी वीडियो में से आपको 4 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, उसके कारण पृथ्वी पे ऋतुएं होती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वो है वर्ही मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। आगे, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला के लिए वो मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफंटा में। और एलिफंटा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई से समंदर में 12 किलोमीटर आगे है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? वो है काली मिट्टी। आगे, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वो स्थित है एलोरा गुफाओं में। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, वो हरित क्रांति का अर्थ होता है। भूरक्षण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे में आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास। गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो वो है थल सेना का। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेलपथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच नैरो गेज की चौड़ाई होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है?
तो वो है जापान देश। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब आपकी टेस्ट, जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? थर्ड, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? फोर्थ, शार्क का पूरा जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्रमवाइज देने हैं, 1, 2, 3, 4 लिख के उनके आंसर देने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और किन किन को इस प्रश्नों के आंसर आते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सबको शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।